वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हेयर ट्रांसप्लांट विद बासु। काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ स्पेशल काम में बिजी था। काफ़ी लोगों को पता है कहाँ बिजी था, जिनको नहीं पता वो मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके जान सकते हैं कि मैंने इतने दिन तक जो है वीडियोस अपलोड क्यों नहीं करी। और इसके बाद जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई वो कि मेरा फ़ोन जो था वो पानी में डूब के ख़राब हो गया, तो उसके वजह से और भी वीडियोज़ जो है डिले हो गए। अब जो फ़ोन यूज़ करो, एक पुराना फ़ोन है तो पता नहीं मुझको फ्रेंकली कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, साउंड की क्वालिटी कैसी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ आज के इस वीडियो में मैनेज कर लेना। आज के इस वीडियो में मैं शो करने वाला हूँ अपने ही एक सब्सक्राइबर का जो 4 महीने का रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो शो करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो है उनका कंप्लीट रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि डेंसिटी अभी भी इतनी कम क्यों है। 4 महीने में जितनी इनकी ग्रोथ है उतनी तो मेरी भी नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इनके रिजल्ट के लिए, और ये मेरे बहुत अच्छे एक मित्र भी बन गए हैं, सब्सक्राइबर से ज़्यादा एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी है मेरा। तो चलो वीडियो को बिना किसी डिले को शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। पिक में आप देख सकते हो ये मेल पैटर्न बाल्डनेस से गुजर रहे थे, और इनकी एज जो थी सिर्फ 26 साल की थी। आगे के बाल जो है काफ़ी ज़्यादा झड़ चुके थे, और ये मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। ये इनके ट्रांसप्लांट के बाद की जो वीडियो है आप देख रहे हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है, हेयरलाइन भी बहुत ज़्यादा नेचुरल बनाई गई है, और इन्होंने जो है अपने डोनर एरिया का बिल्कुल सही यूज़ किया। काफ़ी लोग क्या करते हैं, हेयरलाइन को बहुत नीचे से बना लेते हैं ये सोच करके कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेयरलाइन आप उतनी ही नीचे लाइए जितनी की ज़रूरत है, डोनर एरिया बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इनके हेड वॉश किए बाद की है। इन्होंने अपने बाकी के बाल भी जो थे ट्रिम कर लिए थे, और डोनर एरिया भी काफ़ी ज़्यादा हील हो चुका है। हेड वॉश के बाद यूजुअली हमें दिखने लगता है कि हमारा रिज़ल्ट किस तरह का आने वाला है। ये वीडियो आप देख रहे हैं इनके शेडिंग फेस की है, शेडिंग फेस जो कि है स्टार्ट हो चुका है। अब काफ़ी लोगों का मुझे कॉल आता है, मैसेज आता है कि भाई मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया लेकिन मेरे बाल जो है वो गिरने लगे हैं। तो कई लोगों को अब तक ये भी नहीं पता है कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो है एक शेडिंग फेस नाम की भी चीज़ होती है। आप देख सकते हो गैप्स जो है नज़र आने लगे हैं। अब जो है ट्रांसप्लांटेड बाल इनके जो है धीरे धीरे झड़ने लगे हैं, शेडिंग फेस इनका बिल्कुल पूरी तरह से जो है चालू हो चुका है, हेयरलाइन के जो बाल है वो भी धीरे धीरे गिरने लगे थे। तो यूजुअली इसके बाद का जो स्टेज होता है यहाँ पर हेड बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने कभी ट्रांसप्लांटेशन कराया ही नहीं है। इसके आगे की वीडियो में जो आप वो चीज़ देख सकते हो। तो मैं बात कर रहा था इसी चीज़ की, आप देख सकते हो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स जो है पूरी तरह से झड़ चुके हैं, ऐसे कि जैसे इन्होंने कभी ट्रांसप्लांट कराया ही नहीं। तो ये बहुत ही एक नेचुरल सी चीज़ है, मैक्सिमम लोगों को शेडिंग फेज होती है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं इनके 2.5 मंथ्स के आसपास की, आप देख सकते हो हेयरलाइन जो है बिल्डअप होनी शुरू हो गई है, और बाकी के बाल भी जो है ग्रो होना शुरू हो गए, बेबी हेयर्स जो है अब नज़र आने लगे थे। अब जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 3.5 मंथ्स के आसपास की है, और भाई के साथ यहाँ पर ट्रेजेडी ये हो गई थी, इनको चिकन पॉक्स हो गया था, जिनके वजह से आप जो इनके चेहरे पर दाग है वो देख सकते हो। हम दुआ करेंगे कि इनके जो चिकन पॉक्स के जो ये निशान है जल्दी से चले जाए। तो आप देख सकते हो हेयर लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो चुकी है, और डेंसिटी अभी उतनी आई नहीं है क्योंकि ये जस्ट 3.5 मंथ्स का ही जो आप वीडियो देख रहे हैं। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं इनके 4 महीने का रिजल्ट का, आप देख सकते हैं हेयरलाइन जो है कितनी ज़्यादा नेचुरल बनाई गई है, डेंसिटी भी 4 महीने में कितनी ज़्यादा बेटर आई हुई है, और इनका जो डोनर एरिया था वो बहुत ही स्ट्रांग था। इनकी एज भी कम है जिसकी वजह से 4 महीने में इनका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा है, और हम दुआ करेंगे कि इनका जो फाइनल रिज़ल्ट हो इससे भी ज़्यादा अमेजिंग हो, इससे भी ज़्यादा अच्छा। आप देख सकते हैं हेयरलाइन भी कितनी अच्छी सी बनाई गई है, ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, बिल्कुल इनके फेस को सूट कर रहा है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम यूसुफ है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, और मेरी उम्र 26 इयर्स है। 4 मंथ्स पहले मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, मैंने ये जो बासु भाई हैं उनके थ्रू मैंने ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था अपना। अभी तो 4 मंथ्स हो चुके हैं एंड दिस इज़ माय रिजल्ट। और हेयर ट्रांसप्लांट के पहले जो मेरा ये जो पोर्शन था ये इतना इतना पूरा चले गया था मेरा, मतलब पूरी तरह से चले गए थे। उसके बाद
सोचा था कि ट्रांसप्लांट करवा लें, पर यहाँ हैदराबाद में बहुत सारे देखे थे, कोई समझ में नहीं आया था। मतलब समझने की बात ये थी कि भरोसा नहीं आ रहा था कि होगा नहीं होगा। एंड फाइनली बासु भाई के पास अप्रोच होने के बाद उन्होंने ये सजेस्ट किया कि ये क्लिनिक पे आप करवा लो, सही होगा। एंड बाय गॉड ग्रेस अभी रिजल्ट तो अच्छा आ गया है, बस अच्छा है सर जो भी है। अभी पहले तो मतलब जब बाल नहीं थे तब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो बस धज्जियाँ उड़ गई थी। चार लोगों में जाने में शर्म लगती, चार लोगों में बात करने में शर्म लगती थी, पर कराने के बाद अब आई फील कि अच्छा लग रहा है कि कहीं भी जाते हैं तो अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल अपना अच्छा रहता है कि हाँ यार कि ज़्यादा वो ओवर उम्र वाले नहीं लगते हम लोग भी। ठीक है सर, थैंक यू। तो आई होप आपको इनका चार महीने का रिजल्ट जो है अच्छा लगा होगा। इनकी अभी कंप्लीट रिजल्ट आनी बाकी है, जैसे इनका फाइनल रिजल्ट आ जाता है इनके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और भी जो मेरे भाई है जिनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है ट्रांसप्लांट, जिन्होंने ऑलरेडी करा रखा है, वो अपने रिजल्ट पर अगर केस रिव्यूज़ बनवाना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं सामने आकर, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पर जो है टेक्स्ट करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपने भाई को अब दीजिए जाने की इजाज़त, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे सेफ एंड जय हिंद।